नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। कटनी, इन दिनों मास्क भी न लगाना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इससे न सिर्फ आपकी जिंदगी खतरे में पड़ रही है, बल्कि आपके संपर्क में रहने वाले लोगों की भी जान आप खतरे में डाल रहे हैं। अभी कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि पूरी सावधानी रखते हुए एवं शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकलना चाहिए। यह बातें यातायात सूबेदार विनोद दुबे ने मिशन चौक पर राहगीरों से कही। यहां पर भारत स्काउट एंड गाइड व यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्काउट गाइड के बच्चे पहुंचे। यहां पर छात्र एवं छात्राओं द्वारा स्काउट गाइड की वेशभूषा में हाथों पर मास्क लेकर एवं गुलाब के फूल लेकर सड़क पर खड़े हुए जो लोग मास्क लेकर लगाकर नहीं चल रहे थे उनके वाहनों के उन्हें समझाइश दी कि आप लोग मास्क अवश्य लगाएं और लोगों को भी मास्क लगाने के लिए जागरूक करें। स्काउट गाइड से ललित मिश्रा द्वारा लोगों को जागरूक किया गया, यातायात को लेकर भी किया जागरूक। इस दौरान यातायात सूबेदार विनोद दुबे ने वाहन चालकों को रोककर सख्त हिदायत भी दी। जो लोग बगैर हेलमेट तीन सवारी के वाहन लेकर गुजर रहे थे उन्हें कहा कि आज सिर्फ समझाइश दी जा रही है, यदि इसके बाद भी आप लोगों ने बेपरवाही की तो चालानी कार्यवाही सहित न्यायालय के तहत कार्रवाई की जाएगी। कई वाहन चालक छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अधिकारी लेकर चल रहे थे जिन्हें हिदायत दी गई। विनोद दुबे ने सभी स्काउट गाइड के सदस्यों, यातायात कर्मियों सहित नागरिकों की उपस्थिति में लोगों को शपथ दिलाई, कहा कि मास्क आवश्यक रूप से लगाएं, यातायात नियमों का पालन करें, अपने घर परिवार आसपास के लोगों को भी जागरूक करें एवं बीमारी से बचाने के लिए प्रयास करें। हमें सभी को मिलकर इस कोरोना वायरस को हराना है। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। आज अपने मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। इस कार्यक्रम के तहत भी हमने क्या किया कि हमें पता है कि अभी तक कोविड का जो डर है वो गया नहीं है। कोविड हमारे यहाँ फैला हुआ है और इस तरह से फैल रहा है लगातार, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जन जन या हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी मास्क पहने, और मास्क पहनने के साथ साथ साबुन से हाथ धोएं और किस तरह से वो दूरी बना करके रखें एक दूसरे से। तो ये चीज़ को हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। बहुत समझाने के बाद भी, सब कुछ बताने के बाद भी, तो इस तरह से आज हमने मिशन चौक में वाटसले स्कूल के सामने अपने रोवर रेंजर्स और अपनी पूरी स्काउट गाइड की टीम जो है उसके साथ में तैयार होकर के हम सब यहाँ खड़े हैं कि जो भी यहाँ से ऐसा निकले जो मास्क नहीं लगाए है या जिसके पास में मास्क नहीं है तो हम उन्हें मास्क वितरण कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ की समझाइश दे रहे हैं कि आप लोग आइए और मास्क लगाइए और लोगों को सचेत कीजिए कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है, तो इसलिए हमें मास्क लगाना ज़रूरी है और एक निश्चित दूरी जो 2 गज की बताई गई वो रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम फूल और मास्क के द्वारा उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप लगा के रखें। ये कार्यक्रम हमारा पहले भी काफ़ी टाइम से चल रहा है। हम लोग जैसे जागृति पार्क गए थे वहाँ पर भी हम लोग ने उस तरफ भी माधव नगर कॉलोनी साइड भी हम लोग ने किया, और ये कटनी में तो हम लोग कर रहे हैं और अभी हम लोग वाटसल को मिशन चौक में ये वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। सायरा बानो, मैं आज स्काउट एवं गाइड जिला कटनी संघ द्वारा मिशन चौक पर यातायात पुलिस के साथ ऐसे वाहन चालकों को जो मास्क धारण नहीं किए हुए हैं उनको गुलाब और मास्क वितरित कर ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि वाहन चलाते समय या घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य रूप से पहने। मेरे द्वारा उन वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी गई जो तीन सवारी थी या जो हेलमेट धारण नहीं किए हुए थे। हाँ, ये एक सभी स्काउट गाइड द्वारा और पुलिसकर्मी और पत्रकार बंधुओं द्वारा मिशन चौक पर इकट्ठे होकर शपथ भी ली गई कि अभी आज तो ये केवल मिशन चौक चौकी के पास बच्चों द्वारा किया गया है और जैसे ही आगे भी कोई प्रोग्राम होता है तो आपको बता दिया जाएगा। मेरा नाम सुबेदार विनोद दुबे, थाना यातायात।